खबर महाराष्ट्र से, जहां के विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू किया और इससे पहले चुनाव के लिए एनसीपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने विधायकों के साथ अंधेरी के द ललित होटल से निकले। आपको बताएं कि एनसीपी अजीत पवार के 37 विधायक हैं। विधान परिषद के 2 उम्मीदवार एनसीपी अजीत पवार खेमे से चुनावी मैदान में हैं। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडी और इंडी गठबंधन के बीच ये पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। और मुंबई से इसी मामले पर जुड़ रहे हैं शिशिर शिला। शिशिर, तो अगर हम महाराष्ट्र में विधान परिषद के इस चुनाव की बात करें तो साफ तौर पर मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच नजर आ रहा है। बिल्कुल अचल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सुबह जो है ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 11 सीटों के लिए 12 जो उम्मीदवार इस वक्त जो है चुनावी रण में हैं। इसमें बात करें महायुति की तो महायुति के 9 उम्मीदवार हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे रोचक बात इस बार ये है कि इस बार कई सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में बात आई है कि इस बार जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उसके पीछे का कारण ऐसा है क्योंकि जिस प्रकार से महायुति ने जो है 9 उम्मीदवार खड़े किए, अगर वो चाहते हैं कि 9 के 9 उम्मीदवार चुनकर आए तो इतनी जो अगर बात करें हम नंबर्स जो है उनके पास नहीं है, तो ऐसे में जो निर्दलीय है या फिर जो बाकी अन्य छोटे पक्ष है उनकी मदद जो है बीजेपी को या फिर महायुति को लगेगी। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी जो है उनने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। हालांकि 3 उम्मीदवार चुनने की अगर नंबर का गणित अगर देखा जाए तो वो भी उनके पास पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे में उनको जो है फिर से जो निर्दलीय है या फिर जो बाकी अन्य पक्ष है छोटे पक्ष है उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह भी है, चूँकि कांग्रेस के पास अपना जो उम्मीदवार है उसको चुनने के लिए पर्याप्त अगर देखा जाए पर्याप्त विधायक की संख्या है, लेकिन बात करें उनके सहयोगी खास तौर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना और एनसीपी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है शरदचंद्र पटेल पक्ष ने, तो उनके उम्मीदवारों को चुनावी रण में अगर को जीत दिलानी है तो ऐसे में जो कुछ वोट है कांग्रेस को वो कुछ वोट अपने साथियों को भी देने होंगे। और हालांकि उनके जो उम्मीदवार है उनको पर्याप्त वोट देने के बाद जो बचे हुए वोट है वो हालांकि जो वोट है ये इन दो पक्षों में बांट सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वोट आखिर किसको मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि इसके बारे में दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, बयानबाजी भी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, जो कांग्रेस के नेता विपक्ष है विधानसभा में विजय वड़ेट्टीवार, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, कांग्रेस इस वक्त सशक्त है, एक साथ है। वही महायुति की बात करें तो महायुति की तरफ से भी दावा किया गया कि महायुति के सभी 9 के 9 उम्मीदवार चुन कर आएंगे, लेकिन आखिर का सवाल ये उठता है कि गणित कहाँ फिट बैठता है। हालांकि कौन सा पक्ष है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर अपने उम्मीदवार जो है उनको विजयी बनाता है, तो हालांकि शाम को इसका जो है फैसला होने वाला है उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से। हालांकि दोनों पार्टियों ने भरकस प्रयास किया है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव होगा और आने वाले कुछ ही महीनों में अगर देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में जो पार्टी जीतेगी या फिर महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी जीतेगी उनका मनोबल भी बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बात करते हैं अब मुंबई के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की, जहाँ के LLB के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने वाले मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी।